दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है? तो ग्रेडियंट का मतलब दोस्तों वही है कि अगर हमारे पास बैकग्राउंड में कलर रेड है और हमें रेड और ब्लू दोनों मिक्स करवाने हैं तो दोनों कलर हमें एक साथ कैसे रख सकते हैं, तो आज हमें वो सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपने कोड पे आ जाता हूँ और ये मेरा आउटपुट है। तो कोड पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैंने बॉक्स एक बना के ही रखा है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक तो पता ही होगा। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड लगा देता हूँ सिर्फ रेड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये बैकग्राउंड है वो डायरेक्टली रेड आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेड आ गया। अब मुझे दूसरा कलर है वो इसमें मिक्स चाहिए, तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे इसे पॉसिबल करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है CSS3 का। उस फंक्शन का नेम है लिनियर। क्या नेम है? लिनियर ग्रेडियंट। नेम क्या है? लिनियर ग्रेडियंट एक ये फंक्शन है। ठीक है, तो वहां उस फंक्शन में हमें दो कलर का नेम दे देना है। ठीक है, अब इसे मैं सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो, अगर आप तीन कलर के नेम दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैं लगा देता हूं ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अगर उसके आगे आपको लिखना होगा, मान लो टू टॉप, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू टॉप का जो कलर है वो टॉप से शुरू होगा। ठीक है, जो लास्ट वाला कलर है वो डायरेक्ट टॉप से शुरू होगा। अगर मान लो आप बॉटम लगा दे तो यहां पे आप ये देख सकते हो। अगर आप इसे लेफ्ट, तो आप यहां पे लेफ्ट से भी ले सकते हो। अगर आप यहां पे मान लो टॉप और लेफ्ट लगा देते हो, यहां से आप कॉर्नर पे भी ले सकते हो। जिससे भी आपको जहां से भी कलर को इफेक्ट देनी है आप दे सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मैं यह लगा देता हूं, मुझे चाहिए बॉटम और राइट पे, तो यहां पे मुझे लिखना क्या पड़ेगा, बॉटम राइट, सेव करके रिफ्रेश। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह अगर मान लो मैं यहां से निकाल देता हूं सबको। ठीक है, अब ऑरेंज कलर है, ठीक है, जो ऑरेंज वो मुझे, चलो मैं दो ही कलर ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, ब्लू और रेड। ठीक है, अब अगर ब्लू वाला है वो मुझे सिर्फ 20% में चाहिए, वो मुझे सिर्फ 20% में चाहिए, तो ब्लू है ये टोटल का 20% जितना होगा उसमें ही ब्लू रहेगा। ठीक है, तो यहां पे इतना ही ब्लू है, यहां पे तो जो मिक्स हो गए वो कलर है ना। अगर मान लो आपके पास रेड है, आपको वो 80% चाहिए, तो यहां पे आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से मान लो मैं ये निकाल देता हूं, सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूं, तब ये आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था लीनियर ग्रेडियंट। अब उसके बाद आएगा रेडियल ग्रेडियंट। क्या आएगा? रेडियल ग्रेडियंट। तो यहां पे आपको लीनियर निकाल के सिर्फ लिखना है रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, यहां पे ये सर्कल में आएगा। ठीक है, अगर मैं तीसरा कलर कोई ऐड कर देता हूं, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे व्हाइट आ गया, रेड और बीच में ब्लू, तीनों मिक्स होके आ गए आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह ये ग्रेडियंट था, पहले कौन सा था, लीनियर ग्रेडियंट, और उसके बाद रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज ये ट्यूटोरियल यहीं पे अभी खत्म करता हूं, यानी कि इस वीडियो को। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक ले बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।